ये तारे हैं जनरेटर के लिए। जनरेटर की सप्लाई आएगी और ये दोनों जनरेटर को ऑफ करने के लिए और ये दोनों जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर सप्लाई देनी है कॉयल को, ये कॉयल है, ये वाला जनरेटर से, जनरेटर से कॉयल को सप्लाई देनी है दोनों तरफ, यहाँ से और फिर यहाँ से। ये जनरेटर के पॉइंट है, यहाँ से सप्लाई देनी है कॉयल को। जैसे ही जनरेटर स्टार्ट करेंगे ये कॉयल ऑन हो जाएगा और इसको नीचे खींच लेंगे, स्टॉप कर, समझ आई। ये कशीदी थी, ये जनरेटर का फेज, जनरेटर से कॉइल को, जनरेटर की सप्लाई यहाँ पे देनी है और इसी से कॉइल को। ये जनरेटर की एक तार आ गई और दूसरी यहाँ पे कनेक्ट करें यहाँ पे और इसके साथ कॉइल को, ये कॉइल जब तक जनरेटर की दूसरी तार, समझ गया। इन दो पॉइंटों पे ये जो नज़र आ रहे हैं वायर कनेक्ट हुई आ रही है, यहाँ पे हमने लगाना है लोड, कार का लोड, क्योंकि यहाँ पे ठीक है, हम तो कुछ छोड़ना कर रहा हूँ, क्योंकि ये दो तारे लोड वापड़ा मेन वापड़ा जनरेटर, ये भी जनरेटर की दूसरी बात, और ये यहाँ से कॉयल को सप्लाई, जनरेटर से कॉयल को सप्लाई, ये घर का लोड, ये मीटर से आई हैं, ये लोड आ रहे हैं, ये मीटर से आके मेन ब्रेकर को, ये दो मेन ब्रेकर से इस रिले को यहाँ से सप्लाई मिली। इसका सारी गलती फिर देखने याद कर रहे हाँ ना, इस जगह तक पाल दे पास रह लगा है लगे इतनी किसी भी काट
ये फाइंडर की भैंस है, इसको सप्लाई देनी है 2 और 7 को, 2 और 7 को सप्लाई देनी है बापटा की। जनरेटर को ऑफ करनी है, दो और सात को वापर की सप्लाई देगी, और ये जो 2 ब्लैक कलर की तारें हैं ये जनरेटर को ऑफ करने के लिए जनरेटर से यहाँ पर लगाएगी। इनको कहाँ पे लगाना है जी, 1 और 3 पे। जनरेटर को ऑफ करने के लिए जो 2 तारें हमने डाली हैं इनको लगाना है 1 और 3 पे। ये 3 आ रहे हैं, इसका काम हो गया खत्म। ये जो रह जाती हैं इनके साथ हमने लगाना है बेल पुश या जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए। ये हमारा सेटअप तैयार हो गया, रिले भी लग गई, फाइनल भी लग गया, और ये ब्रेकर को जो है सप्लाई देनी थी वो भी दे दी है। सही है, भी क्लियर हो गई, यही है।